हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं राजपाल फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने बनाया एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, जो कि सोल्डरिंग को रिमूव कर सकते हैं, सोल्डरिंग रिमूवर, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, और इसे बनाना काफ़ी ईजी है, आप भी बना सकते हैं, और बहुत ही काम का प्रोजेक्ट है ये। सो दोस्तों, हमने इसे किस तरह से बनाया वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। सो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने कुछ इस प्रकार का एक 12 mm का HDF का टुकड़ा लिया, आप देख सकते हैं, और इसकी लंबाई आप देख सकते हैं करीबन 6.5 इंच इसकी लंबाई ली है मैंने, और चौड़ाई इसकी आप देख सकते हैं 4.5 इंची करीबन ली है मैंने, इंची में बता रहा हूँ नाप में। और कुछ इस प्रकार की पत्तियां बनानी होगी एल टाइप में, उसके बाद में हमें दो, तो इन पत्तियों को इसके ऊपर यहाँ पे कस लिया मैंने। उसके बाद में एक एल्युमिनियम का पाइप कट करके मैंने कुछ इस प्रकार का बनाया, आप देख सकते हैं करीबन 3 इंच लंबाई का पाइप है ये, और इसके ऊपर 3 होल किए हैं कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं 2 होल में स्क्रू कस गए, हमारे पत्ती हमारी इसके ऊपर रेस्ट हो गई। इसके बाद में कुछ MDF का कुछ इस प्रकार का छोटा सा एक बॉक्स बनाया मैंने, और इसके ऊपर होल कर रखे हैं दोनों साइडों में, ये बॉक्स यहाँ पे लगेगा। दोस्तों बॉक्स के यहाँ पे होल किए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बॉक्स लगाने से पहले हमें एलिमेंट लगाना होगा, तो 35 वाट का एलिमेंट है ये सोल्डरिंग आयरन के जो लगता है, तो उस एलिमेंट को यहाँ पर लगा देंगे नीचे इसके, और इस यू शेप की कुछ इस प्रकार की पत्ती बनाइए, इस पत्ती की सहायता से इसे लगाएंगे, यहाँ पे इसके रोकना होगा पत्ती की सहायता से। तो मैंने इसे लगा दिया, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लग गया हमारा एलिमेंट, जो कि हीट होगा। अब इसके कनेक्शन करेंगे, इस बॉक्स को लगाएंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर एक स्विच लग जाएगा यहाँ पे, और एक केबल लिए मैंने कुछ इस प्रकार की, ये प्लग लगा हुआ है इसके। तो दोस्तों इसके कनेक्शन कर लेते हैं, तो मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे एलिमेंट के हो गए, और कनेक्शन काफ़ी सिंपल हैं। तो अब इसे स्विच को भी अच्छे से कस देते हैं। तो दोस्तों अब इस बॉक्स को इसके ऊपर हमें ग्लू की सहायता से चिपका देना होगा। तो अब हमारा रिमूवर तैयार हो गया है, सोल्डरिंग रिमूवर तैयार है बिल्कुल। तो एक LED पड़ी थी मेरे पास में कुछ इस प्रकार की, तो इसकी LED रिमूव करके दिखाऊंगा। तो मैंने इस प्लग को लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं हीट हो गया है सोल्डरिंग हमारा, थोड़ा सा वेट करने के बाद में, तो देख सकते हैं आप इसकी LED-ियाँ काफ़ी ईजी से मैं हटा पा रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं, अगर आपको किसी PCB वगैरह की सोल्डरिंग हटानी हो, या कोई कंपोनेंट उसके अंदर से निकालना हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।